हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और भाई बहनों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अपडेट्स डेली हम लेकर आते रहते हैं। उसी प्रकार से आंगनवाड़ी विभाग के अंदर एक न्यू भर्ती आप सभी के सामने लेकर आए हैं 26/7/2023। आज के दिन की ये भर्ती आपको बताने वाले हैं। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो भाई बहनों ध्यान से सुनना, ध्यान से सारी चीजें बताई जाएंगे। ना कोई एग्जाम होगा, ना कोई आपका पेपर लिया जाएगा, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन दिया जाएगा। आंगनवाड़ी विभाग के अंदर जॉब आई है। अगर मेरी कोई भी आज हमारे चैनल पर पहली बार आई है तो आपको इसी टाइप से जो भी आंगनवाड़ी विभाग के हो गए भर्ती आगे नोटिफिकेशन आते हैं। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की जॉब आती है। अगर किसी भी टाइप का कोई भी कलर्क वगैरह की जॉब आती है मेरी बहनों के लिए, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब पर बताई जाती है। तो अगर आपने इसको सबसे पहले सबसे फास्ट नोटिफिकेशन चाहिए, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के हो, चाहे डीसी रेट जॉब के हो, चाहे कौशल रोजगार निगम के साथ में हमारी पक्की भर्तियों के नोटिफिकेशन हो, तो आपको सबसे पहले सबसे फास्ट नोटिफिकेशन मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लैक आइकन को प्रेस कर लेना। साथ में अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो भाई और बहनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी सुबह से शाम दोपहर किसी भी टाइप कोई भी अपडेट आएगा, सीधी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आंगनवाड़ी विभाग के अंदर आज का जो अपडेट रहने वाला है, किस प्रकार की जॉब आई है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पंचकुला की मैं बात करने वाला हूं। भाई और बहनों, आप सभी के लिए पंचकुला के अंदर जॉब आ चुकी है। अगर आप पंचकुला से बिलोंग करते हैं, कोई भी भाई और बहन हो, सबको पंचकुला के अंदर जॉब मिल सकती है। जिसके अंदर वो पोस्टें आ रखी है आप सभी के सामने, कॉन्टेक्ट बेसिस जॉब रहेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप सभी के सामने आ चुकी है, 10 से 15 पोस्टें आ रखी है। लास्ट डेट आपकी 25 जुलाई से अप्लाई किया जाएगा और इसका इंटरव्यू डेट भी आप सभी के सामने है, जिसके आगे मैं बताना चाहूंगा। जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ डायरेक्ट आपका एंट्री होगा, ना आपको कोई एग्जाम होगा, ना कोई आपका फॉर्म भरा जाएगा। सीधी जानकारी आपको मैं देते हुए बताना चाहूंगा सभी साफ-साफ बातें। जिसका नोटिफिकेशन 25 तारीख को जारी हुआ था, 25 तारीख के बाद में आपको ना तो 25 तारीख का मतलब है आपको कोई भी इस भर्ती का ना फॉर्म भरना है, ना किसी प्रकार का कोई भी आपको कहीं पर भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवा के आने हैं। सीधा आपको 9 अगस्त को जाके इंटरव्यू देना है। रिजल्ट डेट जो भी आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, रिजल्ट आपका इंटरव्यू कर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे तो अंदाजा आपको खुद लग जाता है, इंटरव्यू देने जाते हैं स्टूडेंटों को खुद पता चल जाता है कि हमारा इंटरव्यू हुआ किस प्रकार से था और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको इंटरव्यू के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। 9 अगस्त को आपको जाके इंटरव्यू देना है। 25 तारीख कल के दिन यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस भर्ती के लिए ना आपको कोई पेपर भरना, ना आपको कोई फॉर्म भरना होगा, ना कोई एग्जाम होगा, सीधा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर मेरी बहन कोई भी लगना चाह रही है पंचकुला के अंदर, यह जॉब आई है, सरकारी जॉब रहने वाली है, जितने भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं सबके सब जाके अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हैं। इंटरव्यू बेस की जॉब रहने वाली है। चाइल्ड वुमेन हेल्थ जो डिपार्टमेंट है अपना, जो हम बोल देते हैं अपनी साधारण सी भाषा में आंगनवाड़ी विभाग के अंदर ये जॉब आ रखी है। जिसके आगे हम बताना चाहेंगे, फीस आपकी 0 रुपए रहेगी। एज लिमिट की आपकी क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, 25 साल से 45 साल वाले जो भी स्टूडेंट है सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो बिल्कुल गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल के हिसाब से इसमें छूट मिलती है, वो भी आपको दी जाएगी। तो फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है ये सारी जानकारी आपको दी जाती है। अगर किसी भी भर्ती का कोई भी फॉर्म फिलअप होता है तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले बताया जाता है, सारी चीजें बताई जाती है। परंतु इस भर्ती में कोई भी फॉर्म मांग नहीं रखा, डायरेक्ट आपका एंट्री होगा, वो अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाए। 9 अगस्त को आपको जाना कहां पर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ध्यान से अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह ये एक बार देख लीजिए। लीगल कंसल्टेंट के लिए आपको डिग्री होनी चाहिए लॉ साइड से। LLB वगैरह आपने कर रखी है, वकालत की आपके पास में डिग्री है तो आप बिल्कुल आराम से अप्लाई कर। कंसल्टेंट जो चाइल्ड प्रोटेक्शन होगा, पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, 55% मार्क्स से अप्लाई कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। आईसी जो आईईसी होता है कंसल्टेंट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन होगा, PhD मांग रखा है, रिलेटेड जो फील्ड मांग रखी है इन्होंने उसके फील्ड से। ज्यादातर पोस्टें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की रहने वाली है। तो जो भी भाई और बहन पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी मेरी बहन पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसने भी BA MSc वगैरह कर रखी है, MBA वगैरह कर रखा है, तो बिल्कुल आराम से अपना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई एग्जाम होने वाला है, ना किसी प्रकार का कोई भी आपका इसमें लीगल वो होने वाला है कि आपको ज्यादा दिक्कतें आएंगे। सीधा एक साधारण सा इंटरव्यू लिया जाएगा। 9 अगस्त का आपका इंटरव्यू होने वाला है, पंचकुला में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो जो पोस्ट है वो आप सभी के सामने है, 6 5 6 जो प्रकार की पोस्टें हैं वो आपके सामने आ रखी है, जिसके अंदर ओनली पोस्ट ग्रेजुएट हो या लॉ की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ये पोस्ट है और अपनी क्वालिफिकेशन सभी एक बार ध्यान से आप देख लेना और इसके हिसाब से ही आप
आपका इंटरव्यू वहां पर लिया जाएगा। इसके आगे हम बात करेंगे कि आपका इंटरव्यू देने का जो स्थान होगा वो कहां पर रहेगा, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आपको सुबह पहुंचना होगा और सुबह के साथ में आपको 9 अगस्त को कहां पर पहुंचना है इंटरव्यू देने के लिए। जो WCD पंचकुला नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया गया, इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू कहां पर होने वाला है, WCD जो डिपार्टमेंट है बेस नंबर 15B सेक्टर 4 पंचकुला, इस एड्रेस पर आपको 9 तारीख को पहुंचना होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका इंटरव्यू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए अगर आपको कुछ भी इश्यूज होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको समस्या होती है तो मुझे आप कमेंट करके पूछिए। अगर आपका कोई भर्ती ऐसी पेंडिंग में है जिसका आपने फॉर्म भर दिया हो, ना कोई उस चीजें समझ में आ रही हो कि उस भर्ती को लेकर ऑफर लेटर जारी हुआ नहीं हुआ, उस भर्ती का कुछ भी अपडेट्स आया, नोटिस आया, अगर आपका रिजल्ट आया, इस प्रकार के आपके कोई भी अपडेट छूट रहे हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको कौन सी भर्ती के नोटिफिकेशन चाहिए, आपको कौन सी भर्ती के फॉर्म आए तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इस प्रकार की जो भी अपडेट्स आते हैं कंटिन्यू मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो भाई और बहनों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और आंगनबाड़ी विभाग के अंदर 9 अगस्त को ये इंटरव्यू देने जितने भी स्टूडेंट आएंगे सबको इसमें सफलता मिल सकती है। प्राइवेट जॉब की तरह ये भी आपके लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहने वाली आंगनबाड़ी विभाग के अंदर, तो जो भी जॉब्स आते हैं कंटिन्यू आपको बताई जाती है। तो ये अपडेट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सुबह दोपहर शाम तब भी किसी भी टाइम कोई भी अपडेट आएगा सीधी जानकारी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।